हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग, जिसमें हम लोग कंबाइन करेंगे टैरो को सैंड रीडिंग, साथ में होंगे चार्म्स और क्रिस्टल्स भी। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है ये। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि जो वर्कशॉप मेरी 18 तारीख को शुरू होने वाली वाली थी, वो मैं पोस्टपोन कर रही हूँ 25 तारीख को, 25 जून को शुरू होने वाली है, जिसमें अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो और आप हील करना चाहते हो और आप खुद भी एडिक्शन के शिकार हो और आपको पता नहीं लग रहा कि किस तरह से आप अपने आप के साथ जो आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है, या अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हो, या अच्छी तरह से अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, या फिर हमेशा ही आप टॉक्सिक लोगों को ही, नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, तो ये वर्कशॉप आपके काम की हो सकती है। ये इसका नाम होने वाला है, इसका नाम है हील फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एडिक्शंस। 10 डेज की ये वर्कशॉप होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे या मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहला पार्ट जो होने वाला है आज की रीडिंग का, उसमें मैं टैरो को यूज करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग 3 बिग इवेंट्स नेक्स्ट 48 आवर्स की ये रीडिंग है जो मुझे गाइड किया गया। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कौन से 3 बिग इवेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ, अगर रिवर्स में निकलता है कार्ड, उसके बाद हम लोग सैंड रीडिंग, चार्म रीडिंग और एंड में हम लोग लेने वाले हैं गाइडेंस और साथ में क्रिस्टल रीडिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कौन से बिग इवेंट्स आपके लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं ये, वाओ। ये कार्ड जो है इन दोनों के साथ, तो ये एक बिग इवेंट में मैं दोनों को इकट्ठे रखूंगी, इनकी एनर्जी दोनों को रीड करेंगे। और ये साथ में है पेज ऑफ पेंटिकल्स और एक और कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एक और कार्ड निकल आया है जो है किंग ऑफ वांड्स, वाओ। तो बिग इवेंट्स क्या होने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे लगता है कि आप किसी तरह के इम्बैलेंस में थे, बहुत ज़्यादा हैवी बैगेज, बर्नड आउट, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या बहुत ज़्यादा किसी से दूर होने की वजह से थे। किसी भी तरह का ये बर्डन सम जो भी आपका हैवी साइकिल था, वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप के साथ, हील कर पा रहे हो, कुछ इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो किसी के साथ। ये यूनियन रीयूनियन भी हो सकती है यहाँ पर, ये स्पिरिचुअली आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे लग रही है, राइट। और साथ में डेफिनेटली ये किसी का, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे और वो आप क्लैरिटी चाहते थे, या आपको वो हैवीनेस फील हो रही थी, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था किसी का, तो वो पर्सन भी आपके लाइफ में वापस आ सकता है। या फिर आप इस तरह के हैवीनेस में से निकल कर किसी तरह के बैलेंस को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, या उस इवेंट के साथ, उस एक्टिविटी के साथ, उस अपने पैशन के साथ भी यहाँ पे जुड़ सकते हो। और ये कईयों के लिए डिवाइन लव भी हो सकता है, राइट। किसी हैवीनेस में से कुछ आपको थका हुआ, एग्जॉस्ट आप हो चुके हो, और अचानक से आप ट्रिप पर चले गए, अचानक से आप इस तरह के स्पिरिचुअल ट्रिप हो सकता है आपका, मंदिर चले गए या कुछ इस तरह का, जो आपको बहुत ज़्यादा हील करे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाए, तो ये वो एनर्जी लग रही है जिससे आप बैलेंस में आ जाए, आपका कप भी भर जाए। तो ये मैंने बहुत सारे सिनेरियोज बता दिए हैं आपको, तो ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है किसी वजह से, या कोई भी आपके कॉन्शियसली अनकॉन्शियस
सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपकी ये हैवीनेस आपको फील हो रही है, उसका अंत होने वाला है। या आप अकेले ही किसी बोझ को उठा रहे हो, तो कोई पर्सन आपको आके सपोर्ट और हेल्प कर सकता है। और ये इमोशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, कि इमोशनली भी आपको कोई सपोर्ट करने आ रहा है आपकी तरफ। सेकेंड बिग इवेंट होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह के न्यू आइडिया, न्यू करियर की आप बिगिनिंग कर सकते हो, कुछ नए स्किल के साथ भी जुड़ सकते हो, कोई नई वर्कशॉप हो सकती है, कुछ भी नया करना, चांस लेना, नया सीखना, किसी स्किल के साथ जुड़ना, किसी पैशन के साथ जुड़ना, अपनी कुछ न्यू वेज। ये जरूरी नहीं है कुछ कि आप कुछ नया ही कर रहे हो, ये कुछ अपने बदलाव लेके आना, कुछ नई बिगनिंग करना, डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लेके आना, कुछ भी ऐसा जो आप किसी तरह का अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। किसी तरह के हीलिंग वर्कशॉप से आप कनेक्ट हो सकते हो, कुछ करियर से रिलेटेड आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ चेंजेस भी लेके आ सकते हो। ये आपके क्रिएटिव किसी तरह के पैशन, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वांड जो है किसी क्रिएटिविटी को भी दिखा रहा है, तो उससे भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। ये पर्सन भी हो सकता है जो किसी तरह का ये पर्सन ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये सेम पर्सन जो है आपको किसी तरह की ऑफर देने आ रहा है, किसी तरह के पॉजिटिव हीलिंग मैसेजेस आपको लेके आ रहा है, किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, किसी तरह के वो मैसेजेस जो आपको हील करें। यू नो, जिस तरह से मुझे कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलता है कि जो भी आपको यहाँ पर रीडिंग में मैसेजेस रिसीव होते हैं डिवाइन की तरफ से, वो आपके लिए हीलिंग होते हैं। तो कुछ इस तरह का भी मैसेजेस आप तक पहुँचना या डिवाइन हेल्प भी पहुँचनी आपकी तरफ, वो भी आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स के यही काम करेगा। तो ये आप लोगों के बिग इवेंट्स होंगे जिससे आप 10 of Wands की एनर्जी में से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि दोनों ही ये इवेंट्स आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। लास्ट देख लेते हैं, किंग ऑफ वांड। किसी तरह की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो इंडिपेंडेंस की, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की, कोई क्रिएटिविटी, किसी पैशन को, या कोई ऐसा काम जो आप पहले एक्शन नहीं ले पाए, अभी वो एक्शन ले सकते हो अपनी लाइफ में। ये एक्शन आपके करियर में, आपके लव एरिया में, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, कहीं पर भी हो सकता है। ये एक्शन जो होगा आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। जैसे आप कुछ यू नो क्रिस्टल शॉप खोलना चाहते थे, तो अब आपको मौका मिला कि आप वो एक्शन लेना एक्शन ले पा रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, एक्शन लेने के लिए रेडी हो, एक्सपैंड करने के लिए रेडी हो, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया। आपने कोई काफ़ी देर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उसके लिए कोई आपने पहला कदम उठाया, प्लान किया, एक्शन लिया, जो भी आपको ज़रूरी एक्शन लेने की ज़रूरत थी। यहाँ पे कोई लोन लेने, कोई इन्वेस्टमेंट किसी तरह की, वो भी मुझे नज़र आ रही है। किसी तरह का बिग एक्शन जो आपने प्लान कर रहे थे, या आप प्लान करोगे, या एक्शन भी ले सकते हो, वो जो क्यों एक मिच्योर, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन होगा आपकी तरफ से। किंग ऑफ वांड्स क्रिएटिव पैशनेट जर्नी को भी आप स्टार्ट करते कर सकते हो, कुछ स्पिरिचुअली भी आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हो। और ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आप अपने कंधों पे उठाने वाले हो, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इंडिपेंडेंस की, अपने काम की, अपने करियर की, अपने अपनी लाइफ की, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। या ये पार्टनर हो सकता है आपका जो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एक्शन लेने के लिए रेडी हो। अगर आपकी एनर्जी नहीं है, तो आपका आपका कोई आपका पर्सन हो सकता है जो वापस से आ रहा है, तो वो किसी तरह के एक्शन को लेने के लिए रेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ अकम्प्लिश करने के लिए रेडी है। तो ये है आपके 3 big events जो नेक्स्ट 48 आवर्स में गुड न्यूज़ बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बोल सकते हो ये, बट ये इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए मुझे मैसेज मिला था। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब साइन रीडिंग के साथ। हेलो एवरीवन, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। कुछ साइन से हम लोग मैसेजेस यहाँ पे रिसीव करेंगे।
तो जैसे भी मैसेजेस निकलते हैं, कई बार रैंडम बहुत सारे मैसेजेस निकलते हैं, बट थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे कंफर्म करते हो कमेंट सेक्शन में कि वो मैसेज आपके लिए था. तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है? नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप बहुत सुंदर लगने वाले हो. एक्चुअल में आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हो, सेल्फ लव है यहाँ पर. ब्रेक लेते हो आप या लेने वाले हो, पेशेंस के साथ काम करने वाले हो, बहुत आराम से सेल्फ लव का ध्यान रखते हुए, अपने खुद की केयर करते हुए आप काम करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में. आप ऐसा नहीं करोगे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी या बहुत सारा काम करना, इस तरह से नहीं करोगे आप. आप अपना ध्यान रखते हुए, अपनी केयर करते हुए उतना ही काम करोगे जितना आप कर पाएंगे. यहाँ पर मैं बोलना भूल गई, मुझे वीडियो स्टार्ट करने से पहले 3-4 वर्ड्स मिले थे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. एक वर्ड था यहाँ पर पेशेंस. पेशेंस, और आपने सेक्रीफाइस किया है, बहुत पेशेंस की है, पेशेंस रखी है किसी चीज़ के लिए, और वो कुछ आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो. जिस चीज़ के लिए भी आपने फेथ रखा, आपने पेशेंस बनाई रखी, आप पॉजिटिव रहे कि हाँ कि ये हो जाएगा, फेथ रखा, सेक्रीफाइस किया बहुत कुछ कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, ये या किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, वहाँ पर उस जगह पर आप उस पार्ट में जहाँ पर भी ये सब आप दिखा रहे थे, मेहनत कर रहे थे या पेशेंस रखी हुई थी, उस चीज़ का आपको फल मिलने वाला है. तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ही आपको उसका फल मिले, आपको रिजल्ट्स देखने को मिले, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाए आपके लिए. तो ये कुछ मैसेजेस मुझे अभी याद आए, ये कुछ वर्ड्स मुझे दिए गए थे. यहाँ पर कोई गाना चैनल हो रहा है, मैं उसको पहले अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी. तो ये गाना है, मुझे बिल्कुल बस थोड़ा सा ही सुन पा रहा है. मुझे वैसे तो याद आ गया मुझे, पर मुझे बाकी की वर्डिंग इसकी याद नहीं आ रही है. तो बोल रहा था बोल आ, ब, आ, बोल रहा था बोल बंधन या मिलन होगा या नहीं, कुछ इस तरह की वो है वर्डिंग. ये आप लोगों के लिए कोई मैसेज हो सकता है इसमें. आप बाकियों के लिए ये थोड़ा सा आप एक दो लाइनें लिख भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हो. आई डोंट नो ये किसके लिए और इसमें कौन सा मैसेज है. हो सकता है कि आप सबके लिए इसमें कुछ अलग अलग मैसेज हो जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आप नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा हम्बल रहने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखने वाले हो. नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे क्लियरली आप सुन रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई आपकी विश जरूर पूरी होने वाली है. तो ये कंफर्मेशन है जो मैंने बिगनिंग में आपको कुछ वर्ड्स के साथ मैसेज दिया है. तो कोई ना कोई आपकी विश ज़रूर कंप्लीट होगी, वो आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे सुनेंगे. तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसको सुनेंगे, इस वीडियो को, उसके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई ना कोई विश पूरी होगी.
नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी सक्सेस का, किसी किसी पर्सन का भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कार्ड्स में देखे, टू ऑफ कप था वहाँ पर, तो वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है तो डेफिनेटली। और ये अगेन विश फुलफिलमेंट के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ब्यूटीफुल, ये शुरू होते ही जैसे कार्ड से निकाले मैंने, ये सारे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कईयों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत बड़ा बदलाव और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। तो कुछ इस तरह का कोई बड़ी चेंज आ सकती है आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, एक बड़ा बदलाव लेके आएगी आपकी लाइफ में। ये मुझे उसमें भी आपको मैंने मैसेज दिया किंग ऑफ वॉन्ड से, ये वही मैसेज लग रहा है मुझे। कईयों के लिए कोई किसी तरह की सक्सेस भी है करियर में, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स उसको भी दिखाता है कोई सक्सेस, जैसे किंग बनने के लिए उसने जो भी पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, जितने भी एक्शन लिए, जितना काम किया, ठीक है, तो वो किंग ऑफ वॉन्ड बन रहा है, क्योंकि वो उसको वो सक्सेस मिल रही है, वो पोजिशन मिल रही है। आपका कोई बड़ा साइकिल भी कंप्लीट हो सकता है, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी, तो आपने किसी तरह का पेनफुल साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है और आप रिलीज भी कर रहे हो। तो किसी तरह के पेनफुल साइकिल, हैवी साइकिल और पेनफुल साइकिल से आप बाहर निकल रहे हो। जहाँ पर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, इस तरह का हैवी साइकिल था, वो आपका कंप्लीट हो रहा है। एक नया साइकिल स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कहोगे कि 48 आवर्स में कंप्लीट भी हो गया, वो एनर्जेटिकली वो कंप्लीट हो गया होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कहो कि एक बहुत बड़ी चेंज है या बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, वो नहीं। उसको थोड़ा समय लगेगा, जब आप धीरे धीरे फिर एक न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करोगे और फिर से उसमें अपनी स्पीड को पकड़ोगे, अपने पेस को पकड़ोगे। जब चीज़ें सारी नीचे से स्टार्ट होती हैं, दोबारा से ऊपर को चढ़नी और फिर आराम से बैलेंस में आती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे शुरू हो जाएगा और फिर नया साइकिल शुरू हो जाएगा और फिर वापस से चीज़ें सारी जो आप रिलीज़ करोगे, उस रिलीज़ के बाद जो भी आप नई एनर्जीज़ को, नए लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, और उस चीज़ के लिए थोड़ा समय लगेगा, एकदम से नहीं होता है ना। जैसे हम लोग कोई सिटी को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अगेन एकदम से हम लोग वो सारे कामों पे, पूरी रूटीन में वो नहीं हो पाते हैं, थोड़ा समय लगता है, राइट, सेटल होने को, अपने रिकवरी को, छोटे 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 जो काम होते हैं उनको, घर को सेटल करने में, सामान को सेटल करने में, हर एक चीज़ को समय लगता है। तो अगर एक बहुत बड़ा साइकिल आप एक बहुत हैवी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, तो दोबारा से उसको थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लोगे, बहुत आप एक एक कदम को बड़ी सोच समझ के उठाने वाले हो, बहुत माइंडफुल हो रहने वाले हो आप, सोच समझ के करोगे जो भी आप करोगे, एकदम से फास्ट उसमें कोई डिसीजन नहीं लोगे, आप आराम से सोचोगे, समझोगे। और कुछ लोग यहाँ पर जो आपने एक्सपीरियंसेस किया है अपनी लाइफ में अब तक, जो लेसन सीखे हैं, उन लेसन्स को ध्यान में रखते हुए आगे आप बढ़ोगे, उनको रिपीट नहीं करोगे। तो यही विजडम है, यही समझदारी होगी इसमें आप, कि उसको रिपीट नहीं करना है। तो
तो चाहे आपको बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना उठाने पड़े, कोई बड़ा डिसीज़न क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आप बड़ी समझदारी से काम लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ के कि मुझे ये कोई पैटर्न या कोई साइकिल रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह की समझदारी भी आप दिखाने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। बच्चों के साथ और किसी के भी साथ ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो, हैप्पी, कोई आप इस तरह की मूवी देख रहे, मूवी वॉच कर रहे हो, वीडियोस को वॉच कर रहे हो, कुछ इस तरह का कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फन टाइम, आप फन टाइम भी इंक्लूड रहेगा आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी समय गुजार सकते हो आप। किसी ट्रिप पर भी जा सकते हो आप, किसी ट्रिप या छोटे मोटा कोई काम की वजह से आप जा सकते हो बाहर। और यहाँ पे एकदम से मुझे मैसेज मिला कि कोई नई कार खरीदने के लिए भी सोच रहा है यहाँ पर, या आप सोच सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप विचार कर सकते हो कि क्यों ना एक और गाड़ी ले ली जाए। तो इस तरह का भी हो सकता है कुछ हो आपकी लाइफ में कि आप सोचें कि गाड़ी लेनी है आपको। काफ़ी बैलेंस में आने वाली है आपकी लाइफ, तो वो आपको नज़र आ जाएगा नेक्स्ट कुछ दो दिन में कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं बेटर हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं। तो कुछ इस तरह की भी चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में, तो छोटी मोटी चेंजेस हो सकती हैं या आपकी रूटीन को लेकर, आपके खाने पीने को लेकर कुछ इस तरह की चेंजेस। आप कुछ चीज़ों को भी लेट गो करने वाले हो, रिलीज़ करने वाले हो, कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जिनके बारे में आप पहले बहुत ज़्यादा सोचा करते थे, अब कहीं ना कहीं आपका वो पार्ट हील हो चुका है, कहीं ना कहीं आप समझ गए हो क्योंकि आप और ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहते हो पास्ट में, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही पुश कर रहे हो फ्यूचर की तरफ, और बहुत सारी फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हो आप, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं मूव करने के बारे में सोच सकते हैं, नई कार लेने के लिए, नया घर लेने के लिए आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत सारी पास्ट की एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हो और नई एनर्जी को, नई एनर्जीज़ को, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और इस वजह से आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लान करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। काफ़ी सारे कामों को भी आप एकम्प्लिश कर पाओगे, आपके घर के काम हो सकते हैं, आपके घर के काम हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड काम हो सकते हैं। मस्कुलाइन पावर में रहोगे, तो वो टैरो में भी दिख रहे थे, तो मस्कुलाइन तीनों चारों कार्ड्स में मस्कुलाइन थी वहाँ पर, मस्कुलाइन पावर में रहोगे आप, एक्शन वाली उसमें रहोगे, और आप वो कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो। यहाँ पर मैं याद करवा दूँ, जब मैं सैंड डाल रही थी इस प्लेट में, तो ये मैसेज मिला था मुझे कि हार्ट चक्रा की हीलिंग, और यहाँ पर इमोशनली यहाँ पे तो हार्ट से रिलेटेड अगर कोई इशू थे वो भी हीलिंग अवेलेबल है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये जो है सैक्रल चक्रा, ऑरेंज कलर जो है वो सैक्रल चक्रा का कलर होता है, तो सैक्रल चक्रा इमोशंस को, आपके पेन को, इमोशनल पेन को होल्ड करके रखता है, तो कहीं ना कहीं वो हील हो रहे हैं आपके, तो इस वजह से वो एनर्जी आपको फील होगी, एनर्जेटिकली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और एक्टिव फील करोगे आप नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, उस वजह से आप काफ़ी एक्शन ले पाओगे और काफ़ी कामों को भी निपटा पाओगे। कुछ कामों को करने का तरीका भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे आज मैं ये फर्स्ट टाइम सैंड रीडिंग कर रही हूँ 48 आवर्स वाली, यूजुअली मैं 10 डेज, 15 डेज या मंथली करती हूँ, डेली या नो वीकली या मंथली। तो कुछ कुछ कामों को करने का आपका उनका तरीका चेंज होगा आपका, आप मेथड्स चेंज करोगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं, तो आप फ्लेक्सिबल रहोगे, फ्लेक्सिबल रहोगे कि चीज़ों
चेंजेस लाने के लिए, जो भी लाइफ में आराम से आ रही हैं चेंजेस, वो आराम से आप उन चेंजेस को ग्रैब करोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, तो जो भी आपका करने का दिल करेगा उनको आप चांस दोगे, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल रहोगे, आप नो नहीं बोलोगे, आप सरेंडर करोगे जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। कुछ आप स्पेशल भी कुक कर सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, कुछ आप कोई डिश, स्पेशल डिश बना सकते हो, मीठा भी ना मीठा बना सकते हो, या कुछ आपका दिल करेगा कुछ नया भी ट्राई करने का, तो यहाँ पर या कुछ ऐसा जो आपने काफ़ी देर से नहीं बनाया, तो आपका दिल करेगा कुछ जो डिफरेंट बनाते हैं, तो डिफरेंट कुछ ट्राई करते हैं, कुछ इस तरह का भी मुझे यहाँ पे लग रही है। हैप्पी एनर्जी लग रही है यहाँ पर, हैप्पी एक्टिव फन लविंग एनर्जी है यहाँ पे इस ऑरेंज कलर को देख के, सच में जो अगर मैं बताऊँ आपको। और क्लेम कीजिए, और इस रीडिंग का मुझे, मैं आपको बताती हूँ कि इस रीडिंग का करने का मुझे, मेरा एक ही इरादा होता है, एक ही गोल होता है कि अगर कोई दुख तकलीफ या स्ट्रेसफुल कोई कोई एक पहलू आपका चल भी रहा है ना, मैं आपको कुछ इस तरह के मैसेजेस दे सकूँ पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैसेज देती हूँ, आप ही लोग बताते हो कि ये रेजोनेट करती है एनर्जीज आपके साथ भी, तो काफ़ी सारी अगर हम लोग देखें 24 आवर्स की बात करें, 48 आवर्स, जितने मर्जी हर दिन की चलो बात कर लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव छुपी होती हैं। अगर आप ये कह जाते हो कि कभी मुझे पढ़ने को मिलता है कि ऐसा हो नहीं रहा है, तो आप एक्चुअल में उस एनर्जी को पहले से ही आपने नकार दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों में से मोस्टली लोगों को लगता है कि ये है, ये एनर्जीज अवेलेबल हैं आपकी लाइफ में, इट मींस ये अवेलेबल हैं, इसलिए आप बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम करके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये काफ़ी सारी एनर्जीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये महसूस करने की बात है, ये अपनी लाइफ को अच्छे से देखने की बात है कि हाँ, ये अबंडेंस, ये चीज़ें, ये पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों के लिए ऑलरेडी एक्चुअल में अवेलेबल है। जब आप देखोगे, आप ध्यान दोगे, राइट, तभी वो आपको नज़र भी आएंगी, आप ढूंढ भी पाओगे उनको, राइट, और जुड़ भी पाओगे, उनका फ़ायदा भी उठा पाओगे। कुछ लोग यहाँ पर मंदिर जा सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, कोई ट्रिप पर या आसपास कोई अगर आपका मंदिर है उसमें जा सकते हैं, और वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है ट्रिप, बहुत सुंदर रहेगा आपका वो ट्रिप अगर आप जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो। आप सुकून फील करोगे मंदिर जाके, आपका ऑरा क्लियर होगा, शांति को, वो पॉजिटिविटी को आप वहाँ से लेके आओगे, बहुत शांत हो जाओगे। अगर कोई चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है तो मंदिर जाके आइए, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आइए, आप देखोगे कि आपका ना नज़रिया भी बदल जाएगा, और आपका जो किसी तरह की स्ट्रेस एंग्जाइटी है वो भी आपकी डिलीट हो जाएगी लाइफ में से। तो यहाँ पे मुझे वर्ड सत्संग, किसी तरह के सत्संग में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे इनविटेशन आपको मिल सकता है, तो सत्संग तो बहुत अच्छी वो है जिससे आप पूरी तरह से यू नो पूरी तरह से आपके वो पॉजिटिविटी, पूरी तरह से आप पॉजिटिव हो जाते हो, और आपकी वाइब्रेशन, मैं वाइब्रेशन वर्ड ढूंढ रही थी एक्चुअली, वाइब्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो अगर ऐसा मौका मिले तो ज़रूर जाके आइए, आप लकी हो, आप इंडिया में हो, मैं यहाँ पर हूँ कनाडा में, तो ये बहुत कम रेयर मौका मिलता है किसी सत्संग में जाने का। मुझे याद आया, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा धीरे भी बोली, कि जब मैं इन वीडियोस को अपने फ़ोन पे सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगता है, कई बार ज़्यादा ही लगता है वॉल्यूम, पर फिर भी मुझे एक दो मैसेजेस ज़रूर आते हैं हर कमेंट सेक्शन में कि आवाज़ बहुत कम है। तो
आई डोंट नो, मैं मेरे जो कैमरा है वो बिल्कुल करीब है, मेरे 1 फुट से भी कम की दूरी पर है, और ये ऑटोमेटिक है, पूरी तरह से फुल वॉल्यूम पे रिकॉर्ड होती हैं वीडियोस। तो आपको फ़ोन चेक करना चाहिए, या मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस चीज़ को फिक्स कर सकती हूँ, क्योंकि आप मुझे बता सकते हो कि आपको सुन पा रहा है। मुझे लगता है मोस्टलियों को तो सुनता है, इसलिए इतने ज़्यादा कमेंट तो नहीं होते हैं, पर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम हाई कीजिए, या आई डोंट नो कि क्या रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। पर मैं जब सुनती हूँ कई बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लाउड बोल रही हूँ जब मैं अपने फ़ोन पर सुनती हूँ इन वीडियोज़ को, तो मुझे एक्चुअल में ये लगता है, और मैं थोड़ा कम करके सुनती हूँ। एनी हाउ, कॉन्टिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में। काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव एनर्जीज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए एक्चुअल में। ओ, ये कोई मैसेज आपको कहीं से मिल सकता है कि आपकी आपकी सक्सेस का राज क्या है। जैसे कई कई बार आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो ना, या अगर आप शायद सुने नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो आपको पता लग जाए कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, तो कोई इस तरह का सीक्रेट या ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो ये कोई एक मैसेज किसी के लिए हो सकता है, तो आप मुझे बताना। तो आप शायद कुछ इस तरह की वीडियोस देख रहे हो, तो वो आप कोई एक सीक्रेट अपनी लाइफ का पकड़ पाओ कि अरे अच्छा, मुझे ऐसा करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। तो ये कुछ इस तरह की मैसेज है यहाँ पर। यहाँ पे ऑरेंज कलर मुझे क्रिएटिविटी का भी मैसेज मिल रहा है, किसी तरह का पैशन, सिंगिंग, डांसिंग, वो आप ऐसे इंजॉय कर रहे हो अपने आप के दिन को, समय को, ये भी हो सकता है, या फिर एक्चुअल में आप किसी तरह की क्रिएटिविटी, पैशन से जुड़ने वाले हो, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर सैक्रल चक्र जो होता है वो क्रिएटिविटी का भी होता है, और यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव टैलेंट स्किल के साथ जुड़ना चाहते हो, कुछ नया, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारा निकला था बिगनिंग में, ये वो भी हो सकता है, 3 बिग इवेंट्स में जो निकला था हमारा, तो वो कुछ हो सकता है कि किसी तरह के प्रोजेक्ट को आप शुरू कर रहे हो, किसी तरह के ऑनलाइन आप चैनल को स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ स्किल्स को सीखना वो भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर, क्रिएटिव स्किल्स को सीखना, किसी जो होती है ना, कुछ लर्निंग वेबसाइट्स होती हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हो कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैसेज है यहाँ पर, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप वो क्या कर रहे हो। जैसे मैं आगे आगे मंडेलास के एक दो बारे मैंने वीडियोस में 2-3 बार मैसेज दिया, तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया, इवन पिक्चर्स भी भेजी कि वो कितने सुंदर मंडेलास बनाते हैं। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैसेज की उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी है। अपने आप को पैम्पर करने वाले हो आप, पैम्पर करना, जाकर किसी ब्यूटी सलून में जाना, घर पे अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा, अपने बालों का, अपनी स्किन के लिए कुछ करना, ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा, नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, स्पेशल कोई दिन को स्पेशल बनाना, कुछ इस तरह की भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, या कोई और आपको लेके जा रहा है ब्यूटी सलून, या फिर आपको लेके जा रहा है वो कोई रेस्टोरेंट में, ये भी हो सकता है। कोई स्पेशल इन्विटेशन आपका लंच या डिनर के लिए आपको मिल सकता है। आपकी लाइफ का कोई नया चैप्टर शुरू हो सकता है, ये दोनों मैसेजेस शायद आपके लिए वो करें, या फिर इनमें से एक मैसेज। जैसे आपकी कोई एक ओल्ड चैप्टर, एक ओल्ड स्टोरी जो है लाइफ की, या ओल्ड एक पन्ना खत्म हो रहा है, आप नए पन्ने पर आ रहे हो, नए पन्ने को, नए अध्याय को शुरू करने वाले हो, नए साइकिल को भी कह सकते हैं अपनी लाइफ के, और साथ में
ये हो सकता है कि आप कुछ नया करना चाह रहे हो, एक नया अध्याय, नया कुछ, जैसे कोई करियर के लिए कोई नई न्यू बिगिनिंग, कोई चैनल स्टार्ट करना, कोई डिसीजन लेना, बिजनेस ओपन करना, या फिर टोटली कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी। तो इस तरह का आपका लाइफ का कोई एक नया अध्याय, कोई इम्पोर्टेंट अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो वो आपको पता ही होगा। और सबके लिए मैसेज डिफरेंट वे से काम करेगा। और कहीं के लिए यहाँ पे कोई अपनी स्टोरी लिखना चाहता है, कोई लिख रहा है, कोई लेखक हो सकता है यहाँ पर। तो कोई पोएट हो सकता है यहाँ पर, तो वो आप अपनी बुक को स्टार्ट कर सकते हो, स्टोरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह का मैसेज है, आप मुझे बता सकते हो। शायद आप कुछ जर्नल में लिखा करते थे, तो वो मैनिफेस्ट हो गया आपका। कुछ जर्नल किया करते थे शायद आप रोज अपनी डायरी में लिखा करते थे, कुछ इस तरह का जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ इस तरह की अफर्मेशन लिखा करते थे या मैनिफेस्ट करने के लिए लिखा करते थे। स्क्रिप्टिंग किया करते थे आप, तो वो हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी सारे मैसेजेस को आप रिसीव कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकती है डिफरेंट वे में, टैरो रीडर से, बुक्स से, वीडियोस से, रिसर्च, लोगों से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है किसी ना किसी तरीके से। ये आपके करियर प्लेस में हो सकती है, लोग आपको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल की आप हेल्प ले रहे हो, या फिर बुक कोई रीड कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो। कहीं से भी ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपकी तरफ आ रही है। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो ये हो रहा है यहाँ पर। वैसे मैं फाइनल गाइडेंस के लिए कार्ड निकालने वाली हूँ, बट फिर भी हम लोग सैंड रीडिंग से भी आगे रिसीव करते हैं गाइडेंस को, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फाइनल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? हम्बल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए राइट नाउ के लिए, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। हम्बल तो वैसे हम लोगों को हमेशा ही रहना चाहिए, हम्बल रहना और साइलेंट रहना, ये आई थिंक साइलेंट रहना, ताकि आप किसी तरह के क्योस और ड्रामा में पार्टिसिपेट ना करें, ये तब भी ज़रूरी होता है साइलेंस में रहना, ताकि जल्दी से किसी भी जो क्योस है या लोग ड्रामा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, उसमें से आप बाहर निकल आए साइलेंस के साथ, अपने बिना पार्टिसिपेट किए, ताकि आप अपने मेंटल पीस को चूज़ करें। या फिर जैसे साइलेंस में रहना, ताकि आप बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव करो जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, किसी भी तरह से जहाँ पर भी आपको हेल्प चाहिए, ताकि उन मैसेजेस को आप अच्छे से रिसीव कर सको, उसलिए भी साइलेंस की ज़रूरत होती है। तो आप अपने तरीके से वो कर सकते हो इसको। और हम्बल रहना, जब भी हम लोग किसी भी सिचुएशन में हम्बल रहते हैं, तो वो सिचुएशन जो है, वो जो हम लोगों को नहीं, तो जो उस सिचुएशन में क्योस क्रिएट होती है, राइट, वो हम लोगों को बाद में फिर गिल्टी, रिजेंटमेंट, उस तरह की 3D उसमें ले जाती है। तो हम्बल रहने से भी, साइलेंट और हम्बल रहने से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग समझ पाते हैं एक्चुअल में। हम्बल रहना समझना, जब हम लोग एग्रेसिव वे में ईगो की तरफ से वर्क करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को, काम भी खराब कर लेते हैं, लोगों के साथ रिश्ते भी खराब कर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम लोग नहीं चाहते, हम लोग मीन नहीं करते हैं ऐसा करना, लेकिन वो हो जाता है। तो यहाँ पे अपने आप को हम्बल रखिए, ग्राउंडेड कीजिए, ग्राउंडेड रखिए, नेचर में जाइए, नेचर में वॉक कीजिए, ताकि आप ग्राउंड कर सकें अपनी एनर्जी को। क्योंकि अगर आप बहुत सारे मैसेजेस को अगर आप रिसीव कर रहे हो, तो यानी कि आप बहुत सारे मैसेज को चैनल कर पा रहे हो, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिव हो रहा बहुत ज़्यादा,
तो ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए राइट नाउ के लिए जो आपके इम्पॉर्टेंट कोई गाइडेंस हो सकती है राइट नाउ। मैं मेरे पास कुछ चार्म्स हैं जो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग उन चार्म से कुछ और मैसेजेस रिसीव करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो ये मैं मैसेज यहाँ पर भी रिपीट हुआ सेंड में, जो ये मैसेज मुझे यहाँ से भी मिला था। तो आज मैं, कई बार क्या होता है कि जब मैं एकदम से निकालूं वीडियो में, तो जो मैसेजेस मैं थोड़े डिफरेंट साइकिकली मैसेजेस को पिक करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं कई बार पहले निकाल लेती हूँ चार्म्स को। तो वही काम मैंने आज किया था, क्योंकि मुझे थोड़े डिफरेंट जो नॉट हमेशा जो मैसेजेस मिलते हैं, तो आज मैसेजेस जो है जो मिले हैं मुझे इस ट्री से, तो एक तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ने वाली है, काफ़ी सारी चैनलिंग हो सकती है आपको, यानी जो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को पिक कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली, आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले कि इंट्यूटिवली काफ़ी मैसेजेस को आप रिसीव कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर एक और मैसेज था इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको मैसेज यहाँ पर भी आ रहा था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, वो लोगों की तरफ से आ सकती है, रिसर्च कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, वीडियोज वॉच कर रहे हो, ये कहीं टीवी वॉच कर रहे हो, कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन, किसी भी रिसोर्स से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। तो आराम से साइलेंस हम्बल रहकर आपको डील करना है जिस तरह की भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको फॉलोअप करना है। जैसे इस वीडियो को भी देख के काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन गाइडेंस को भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो और कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है, क्राउन चक्रा भी आपका काफ़ी एक्टिव रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो उन मैसेजेस को रिसीव कीजिए, और ग्राउंडिंग का मैंने मैसेज दिया वो भी इस ट्री की वजह से था मुझे लगता है, जो ये चार में भी कंफर्म हुआ था ये मैसेज। तो किसी तरह की विश जो थी, तो ये यहाँ पे मैं बोलूँगी कि हैंगर जो है यहाँ पर, अगर लाइफ के जिस भी हिस्से में आप हैंग हुए हुए थे, अटके हुए थे, प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, तो वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ देखोगे, प्रोग्रेस, या उस विश फुलफिलमेंट का जो हम लोगों का मैसेज मिला वो उस इसका मैसेज हो सकता है। और वैसे भी हम लोगों ने टैरो से भी जो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी चेंज हो रही है 2 ऑफ कप में, ठीक है, पॉजिटिव वे में, ये एनर्जी वो भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर व्हील है, तो अगेन ये बदलाव को दिखाता है, किसी ट्रिप को भी आप वो कर रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे जा रहे हो, फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, पास्ट की एनर्जी को रिलीज करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। इस व्हील से मुझे ये मैसेज मिला कि डेफिनेटली आप बहुत कुछ रिलीज करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है। अब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, उसकी प्लानिंग करोगे फ्यूचर की तरफ, और किसी तरह के ट्रिप के पर भी जा सकते हो, और डेफिनेटली ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो। 2 ऑफ कप का कार्ड, तो ये चार्म्स मैंने पहले निकाले हुए थे, लेकिन टैरो आपके सामने निकाले हैं, तो ये 2 ऑफ कप की ही एनर्जी है। यहाँ पर एक बड़ा हार्ट है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन इस एनर्जी को दिखा रहा है, या आप ही के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन इतनी बैलेंस रहेगी कि आप बहुत अच्छे से 2 ऑफ कप की एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव सेल्फ लव, केयर करनी, जो भी काम अकम्प्लिश करने वाले हैं वो कर पाने, या एनर्जेटिक रहना, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर से मिला मैसेज, राइट, एनर्जेटिक रहना, वो भी तभी हो पाता है जब हम लोग बैलेंस में होते हैं अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन की, तो डेफिनेटली। और यूनियन तो है ही है, यूनियन रीयूनियन तो वो तो यहाँ पे है ही है, या डिवाइन के साथ भी बहुत एक मीठा सा कनेक्शन, राइट, स्वीट सा कनेक्शन। यहाँ पर आपको कोई क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, जिस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ है इस ड्रैगन फ्लाई में, तो किसी तरह की क्रिएटिविटी, किसी तरह के पैशन, सिंगिंग, डांसिंग से आप जुड़ सकते हो, और साथ में किसी तरह के पंख खोलना अपना, किसी तरह की न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया करना, तो पंख को, अपने विंग्स को ओपन करना, अपने आप को चांस देना, फ्लेक्सिबल रहना, जो भी चेंजेस आपकी तरफ आ रही हैं उसको अलाउ करना, उनके साथ जुड़ना, एम्ब्रेस करना उनको, उनको उनसे डरना नहीं, रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी, उनको गले लगाना है। यहाँ पर चेंजेस जो आ रहे हैं, यहाँ पर है ड्रैगन, जो ड्रैगन यूजुअली मुझे स्ट्रेंथ की, मस्कुलाइन
फायरी एनर्जी को बताता है, लेकिन आज मुझे ये ड्रैगन ने मैसेज दिया कि कोई आपको डरा सकता है या किसी तरह का डर इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो पर्सन को ही आपको डरा रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आपका डर हो सकता है किसी चीज़ को लेकर जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये थोड़ा सा डर आपकी रेजिस्टेंस को क्रिएट कर सकता है। पर डेफिनेटली यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी है तो मुझे लगता है कि आप इसको रिलीज़ कर पाओगे, क्योंकि रिलीज़ की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, हर कुछ नया कदम लेने से पहले, नया साइकिल स्टार्ट करने से पहले, जिंदगी में कुछ भी नया करने से पहले थोड़ा बहुत डर तो होता ही है। किसी चेंज को लाने, कोई बिग चेंज, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा बहुत वो होता है, बट एनी हाउ कई बार हम लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती है, तो वो रिस्क ले लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो लीफ है, ये लीफ अगेन एक सिंगल लीफ यानी कि अपने ट्री से जुदा हो चुका है, रिलीज हो चुका है, तो कुछ रिलीज होने के लिए रेडी है। जो यहाँ पर भी मैसेज मिला तो मुझे, और यहाँ पर भी सैंड में भी था मैसेज ये कि रिलीज कर रहे हो आप कुछ ना कुछ, किसी तरह के पास्ट को, सिचुएशन, लोगों, मेमोरीज को, पेन को आप रिलीज कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो पतझड़ में गिरते हैं ना पत्ते, तो ये पत्ता जो है अपने पेड़ से अलग है यहाँ पर। यहाँ पर तो पूरा पेड़ है, लेकिन यहाँ पर ये पत्ता बिल्कुल अलग हुआ हुआ है अपने ट्री से, अपनी रूट से, यानी कि रिलीज किया है आपने, रिलीज कर रहे हो किसी एनर्जी को। यहां पर देख लेते हैं आपके लिए, ये है डायनासोर, धीरे से सही लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, किसी तरह की चेंज डेफिनेटली आप नेक्स्ट 48 आवर्स में लेके आ पा रहे हो। ये वो भी लग रहा है मुझे डायनासोर, वैसे तो सारे डायनासोर शायद कर सकते हैं, पर आई डोंट नो, ये डायनासोर जैसे जंप लेना, तो किसी तरह का एक बड़ा जंप भी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसके जो आगे वाले पैर हैं डायनासोर के वो छोटे हैं, तो पीछे वाले बड़े हैं, जैसे कैंगरू के होते हैं ना, तो कैंगरू जंप करता है, तो इसी तरह से कुछ जंप आप मार सकते हो, एक कोई बड़ा जंप भी आप मार सकते हो। तो ये थी आप लोगों के लिए चार्म रीडिंग, हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक दो चीज़ें अभी भी बाकी हैं, तो देखते रहिए इस रीडिंग को। हेलो जी, लास्ट टाइम के लिए, तो यहाँ पर ये है लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग तीन मैसेजेस इस शैमन ओरेकल से हम लोग निकालेंगे, तो लेट्स सी कि क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। एक कार्ड मेरे पास आ गया है, यहाँ पर है क्लोजिंग डोर, वो कंप्लीशन इससे पहले जो बिगनिंग में ही हम लोगों ने टैरो निकाले थे, तो तब भी वो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड सबसे पहले निकला था, उसके साथ में 2 ऑफ कप का था, तो वो अगेन एक एंडिंग ऑफ द साइकिल, जो मुझे सैंड रीडिंग में भी मैसेज मिल रहा था, तो कुछ एंड डेफिनेटली हो रहा है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में। 22 मास्टर नंबर, फूल्स एम्ब्रेस ट्रांसम्यूटिंग पेन, वाओ ब्यूटिफुल। अब आप ट्रांसम्यूट करनी, एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करनी आप सीख चुके हो, किस तरह से उस पेन को, किस तरह से आप इन अ पॉजिटिव वे अपने लेसन्स में बदल चुके हो आप। ब्यूटीफुल, ये लो थर्ड कार्ड भी यहाँ पर निकल आया है, तो देख लेते हैं अब इन कार्ड्स की एनर्जीज को। द वॉल ऑब्स्टिकल्स, तो यहां पर सबसे पहले मैंने मैनेज कर, अरेंज, रीअरेंज कर लिया है कार्ड्स को, तो सबसे पहले यहां पर द वॉल ऑब्स्टिकल्स से किसी तरह की आप फेस कर सकते हो ऑब्स्टिकल्स को, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को, कि कुछ भी अभी भी कुछ आपकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट वो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होगी कि
कि आपको रोशनी दिखाई जा रही है। और ये भी हो सकता है कि किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जो आपको मुश्किलों में से गुजर कर आपको इस रास्ते को इस लाइट के साथ जुड़ना है यहाँ पर। तो डोंट वरी, जब भी किसी साइकिल की एंडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन है, यहाँ पर फूल्स की एनर्जी है, तो ये इसीलिए है क्योंकि आप इन ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए तैयार किए गए हो। तो ये जो है आपका आखिरी पड़ाव होगा जिसमें आप अपनी आपको रेज करने वाले हो, अपने आप को आपकी कॉन्शियसनेस को रेज करने वाले हो, वाइट लाइट के साथ जुड़ने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर आपको लास्ट में जो किसी भी चीज़ को, कोई भी दरवाज़ा बंद करते हुए जो थोड़ी पेन होती है, जो लास्ट मोमेंट होता है, जहाँ पर साइकिल बदलाव आता है, एक साइकिल आप ख़त्म कर रहे हो, दूसरे में एंटर कर रहे हो, तो उस तरह की ट्रांजिशन में जो चेंज आएगी वो ये चेंजेस होगी जहाँ पर। लेकिन आप, मुझे ये मैसेज ये भी मिला यहाँ पर, लेकिन आपके पास वो हिम्मत, वो इनकरेजमेंट, वो आपके पास स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से आप इन ऑब्स्टिकल्स को ईजिली पार कर लोगे। क्योंकि अब तक जो आपने विजडम गेन की है, या अभी तक जो आपने डिफिकल्टीज फेस की हैं, चैलेंजेस को फेस किया है अपनी लाइफ में, उसने आपको तैयार किया है किस तरह से आसानी से आप इन डिफिकल्टीज में से बाहर निकल सकते हो। तो आगे है यहाँ पर 5 नंबर जो चेंज को दिखाता है। तो ये डार्कनेस को, जो दरवाजे के पीछे है, उस डार्कनेस को आप रिलीज कर रहे हो, छोड़ रहे हो, और रोशनी के साथ, डिवाइन लव के साथ, अपनी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस के साथ जुड़ने जा रहे हो, नया दरवाज़ा खोलने जा रहे हो, जो प्रॉमिसिंग होगा कि उसमें इतने सारी डिफिकल्टीज, इतनी डार्कनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी आपने अभी तक सहा है वो आप रिलीज कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि आप में जो, जिस वजह से आपको ये दर्द दिया गया, पेन दी गई है, डिफ़िकल्टीज दी गई हैं, वो ऑलरेडी आप सीख गए हो उनमें से निकलना, ठीक है, उनको फेस करना, उनमें सल्यूशन ढूंढना, अपने जो लेसन्स लर्न किए हैं उन लेसन्स को यूज़ करके किस तरह से आप विजडम से उन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो किसी तरह की चेंज है, डेफिनेटली कंप्लीशन है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है आपका, और अब फाइनली आप इस रोशनी के दरवाजे को खोल रहे हो और इसकी तरफ बढ़ रहे हो, जो आपका नया चैप्टर होने वाला है। लास्ट में अगेन ये फुल मून यहाँ पर अगेन एक कंप्लीशन को दिखा रहा है। किसी तरह का आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट जो हो सकती है इस नए साइकिल में जाने के लिए, पर डेफिनेटली आप 22 से किसी तरह की आपको सपोर्ट भी होगी यहाँ पर। अगर आप अकेले भी हो तो भी आपको डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली पूरी तरह से सपोर्ट होगी, जो आपको इस नए जर्नी पर भेज रहा है, इस न्यू चैप्टर को, इस नए साइकिल को स्टार्ट कर रहा है आपको, आपके लिए, या आप स्टार्ट कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप पेन को रिलीज कर रहे हो और नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर नए साइकिल को स्टार्ट करने वाले हो। बहुत सारी विजडम है यहाँ पर, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, आप प्रोटेक्टिव हो, वो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है स्ट्रांग यहाँ पर, और आपके गाइड्स भी आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आपको जुड़ने की जरूरत है उनके साथ। आप लोगों के लिए देख लेते हैं 3 मिरेकल मैसेजेस क्या हैं, 3 क्रिस्टल्स की तरफ से, और फिर हम लोग जो है काली माँ का मैसेज निकालने वाले हैं, जो फाइनल मैसेज होगा इस वीडियो का। तो सबसे पहले है यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से आप लोगों के लिए मैसेज है, तो किसी तरह की आप, ये पेनफुल साइकिल भी हो सकता है, बट आपकी इमोशनल हीलिंग अवेलेबल है यहाँ पर। इमोशनल सपोर्ट किसी की तरफ से आ सकती है, 2 ऑफ कप की एनर्जी, या फिर आप ही इस इमोशनल पेन को हील कर रहे हो और बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी ये हीलिंग ज़रूर है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसम्यूटिंग पेन तो मैं बोलूँगी, जो इमोशन से रिलेटेड, आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड, क्योंकि ये हार्ट चक्रा का क्रिस्टल है, तो हार्ट चक्रा से यहाँ पर भी जो पड़ा हुआ है वो रोज क्रिस्टल है, तो ये डेफिनेटली आपके इमोशनल पेन जो है आपकी हील हो रही है, और किसी तरह की इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है। इमोशन से रिलेटेड हो सकता है कि आपका नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड वन है यहाँ पर
बहुत अच्छे से, सबसे पहले मुझे वर्ड मिला यहाँ पे प्राउड, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आप पर बहुत प्राउड कर रही है क्योंकि आप ने बहुत अच्छे से इस पेनफुल साइकिल को कंप्लीट किया है, और साथ में अपनी विजडम को जो आपने गेन किया है वो अब आप प्रैक्टिकल वे में उस विजडम को यूज़ कर रहे हो। जो भी आपने लेसन सीखे हैं उन लेसन्स को आप आने वाले उसमें यूज़ करने के लिए आप रेडी हो। जो भी आपने इंट्यूटिवली या लाइफ लेसन्स जो सीखे हैं वो डेफिनेटली आप अपनी हेल्प के लिए और दूसरों की हेल्प करने वाले हो उन लेसन्स के साथ, उस विजडम के साथ। लास्ट वन है यहाँ पर, इसके लिए बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज मिला, ये है टाइगर्स आई जो रूट चक्रा के लिए होता है। तो कुछ रूट चक्रा की भी एनर्जी यहाँ पर है, स्टेबिलिटी की, सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ पर बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़िए, उसको रिलीज कीजिए, उसको आगे बढ़िए। यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है, जो आपके लिए नहीं था वो नहीं था आपके लिए। तो चाहे आप जितना मर्जी और जोर लगा लें, कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज, कुछ लोग आपके लिए नहीं थे, इसलिए वो रिलीज हो रहे हैं। अब चलते हैं आप लोगों के लिए, कुछ करियर पाथ भी हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ चेंजेस आ रही हैं आपके करियर में, वो इसलिए भी क्योंकि उसमें से जो आपने लेसन सीखने थे, जो आपका टाइम पीरियड था उस करियर के साथ, वो आप खत्म हो चुके हैं। आप नए साइकिल या नए करियर को भी स्टार्ट कर सकते हो, जो मोर साइकिल जो है मोर स्टेबल और स्ट्रांग सिक्योर होने वाला है, आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर काली माँ डेक से एक आप लोगों के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। वाह, तीन मैसेजेस निकल गए हैं, तो तीनों ही मैसेजेस को रिसीव कर लेते हैं, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। प्रॉब्लम्स आर नॉट द स्टॉप साइंस, दे आर गाइडलाइंस। ब्यूटिफुल, ठीक है। वो आप प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो आपको रोकने नहीं आ रही हैं कि आप रुक जाओ, वो आपको गाइड कर रही हैं कि किस तरह से आप उनका सोल्यूशन ढूंढें, जो आपकी आपको गाइड करेंगी आपको आगे बढ़ने में। तो ये ड्रैगन की एनर्जी, जिस तरह से कुछ ड्रैगन की एनर्जी मैंने चार्ट में बताया, आपको कोई डरा सकता है उससे, तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है किसी की ओपिनियन से, किसी के डराने से, या किस अगर आपका खुद का भी डर है तब भी आपको ये एक्शन ज़रूर लेना है और अपने अपने आप को मोटिवेट करना है, फेथ करना है डिवाइन के ऊपर, काली माँ के ऊपर। तो ये ऑब्स्टिकल्स का ही कार्ड था जो वॉल दिखाई हुई थी, वैसे उसी तरह का जो है ये मैसेज भी निकला है यहाँ के लिए। स्लैप पैट्रियार्की, पैट्रियार्की इन द फेस, कुछ डिफरेंट कीजिए, जो बदलाव जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो सारे मैसेजेस हम लोगों ने जो सैंड रीडिंग से भी रिसीव किए। यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जी है, यहाँ पर ईगल है, तो मैं बोलूँगी ऊंचाई, प्रोग्रेस, सक्सेस को उड़ना, पंख खोलने, बहुत सारे मैसेजेस जो हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं सैंड रीडिंग में चार्म से, तो ये वो मैसेज है। कुछ भी अलग करने के लिए, कुछ भी डिफरेंट करने के लिए, और कुछ भी ओल्ड को वो करने के लिए हम लोगों को रेडी रहना है, कुछ भी ओल्ड को रिलीज करने के लिए, ठीक है। कंप्लीशन, आप चोजन वन हो, आप बने ही इसलिए हो कि आप ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को लेट गो कर सको, ठीक है। नए नए मुझे वर्ड ट्रेंड सेटर ट्रेंड्स को सेट कर सकते हो आप, तो आप न्यू बिलीफ सिस्टम को बना सकते हो। लास्ट यहां पर है, यू बिकम अ चैंपियन बाय फाइटिंग, व्हेन थिंग्स आर टफ फाइट वन मोर राउंड। वाह, ये एक्चुअल में पूरी रीडिंग का फाइनल मैसेज है, और कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, आप ही के सामने तीनों कार्ड निकले हैं कि आप चैंपियन बन चुके हैं। बहुत सारी फाइट की हैं आपने पास्ट में, बहुत सारे लेसन सीखे हैं, और इसी वजह से आप चैंपियन हो, जो मैंने आपको का इन ओरिकल से भी अभी मैसेज दिया है सेम वन, कि आप सीख चुके हो हर एक प्रॉब्लम को फेस करना, किस तरह से स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को गाइड करना, सॉल्यूशंस निकालना, किस तरह से हम्बल और पेशेंस के साथ
स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना। तो ये वही मैसेज है, व्हेन थिंग्स आर टफ फाइट वन मोर राउंड। तो ये हो सकता है कि आपका कोई लास्ट राउंड हो जिसको आप नेक्स्ट 48 आवर्स में फाइट करने वाले हो और विन करने वाले हो, उसमें भी आप चैंपियन बनकर निकलने वाले हो, क्योंकि यही आपका। और ये देख सकते हो आप काली माँ, ये फ्यूचर की तरफ जा रही हैं, ये प्रेजेंट में आपको क्या करना है। ये कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है जो आपको डरा सकती है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। तो ये फ्यूचर की तरफ जाना, ठीक है, किसी भी तरह की क्योस से डरना नहीं, बड़ी पावरफुली उसको फेस करना और उसमें से अपने आप को बाहर निकालना, आगे बढ़ना। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। और अगर आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो जो 25 जून से स्टार्ट हो रही है, तो आप मुझे या मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।